ब्राह्मणों के विरुद्ध जेएनयू की दीवारों पर लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग। आपको बताते चलें कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा बरेली इकाई ने ब्राह्मणों के विरुद्ध जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों वैश्य भारत छोड़ो नारे लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा बरेली के गजेंद्र पांडे, महानाध्यक्ष कौशल सारस्वत, महेश पाठक, दिव्य चतुर्वेदी, रमेश तिवारी, सुभाष चंद्र झा, इंजीनियर शिवदत्त शर्मा, राजीव पाठक, सूर्य अग्निहोत्री, अजय पांडे, अनिल शर्मा, अजय शर्मा, मनीष पाठक, अंकुर विशालदीप, सोनू प्यारेलाल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। क्या मामला है जो ज्ञापन दे रहे हैं? मामला ये है कि साहब जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अभी कुछ समय पहले, दो चार दिन पहले अभी गया है, जिसमें ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इस तरह के नारे वहाँ लिखे गए दीवारों पर, जो एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इंगित करते हैं। जिस तरीके से हमारा समुदाय एक है और सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं, उसको तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया। ब्राह्मण जो इस समाज का मस्तिष्क माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, जिसे माना जाता है कि ये वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है और पूरे समाज को एक साथ लेके चलता है, उसको निशाना बना के इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश है, ताकि कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें अन्य धर्मों में कन्वर्ट किया जाए, उनको भटका दिया जाए। मतलब ब्राह्मण को ही दुश्मन साबित कर दो, जो तुम्हें एक धर्म के रास्ते से सबको एकजुट रखते हुए तमाम संस्कृतियों को पालन करता हुआ भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाता है, उसी की तरफ विदेशी शक्तियां, जो इस देश विरोधी शक्तियां हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि उन्हें धर्म से भी मुक्त कर दो। जो धर्म की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है, समाज का मस्तिष्क है, जैसे शरीर के सारे अंगों में अगर सिर नहीं होगा, जरवहीन पूरा दल जो है किस काम का, ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम करेगा, ना पेट काम करेगा। तो वही इनकी ये चाल है कि किसी तरह समाज के मस्तिष्क को, सर को विहीन कर दो वहाँ से। इसके विरोध में हम लोग यहाँ उतरे हैं, क्योंकि पूर्व में शाहीन बाग में भी इस तरह के नारे लगे हुए, पोस्टर वहाँ लगे थे, सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये जो है अब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में इस तरह की बातें दीवारों पर लिख रहे हैं, मतलब हौसलों की बुलंदियाँ देखें आप। और हमारे देश की सरकार इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उसका हमें बहुत ही दुख और बहुत ही उनसे नाराजगी है। हम ये मामला ऐसा है कि शिक्षण संस्थाएं जहां बच्चों में कोई भेद नहीं किया जाता है, शिक्षण संस्थाओं द्वारा से भेद नहीं किया जाता है, गुरुओं द्वारा भेद नहीं किया जाता है, उस शिक्षण संस्थाओं में कौन सी ऐसी असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं जो जाति के नाम पर जो है शिक्षण संस्थाओं में जो है कार्य कर रहे हैं। ये इनको कुचलने का जो अधिक से अधिक प्रयास हो सकता है, सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए जो कहा गया या बनियों के लिए जो कहा गया, भाई देखिए ये समाज के हर एक का अपना योगदान है समाज के उत्थान में, किसी को अलग नहीं कहा जा सकता। केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण तो हमेशा से इसको ज्ञापन दे रहा है। ये राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने ये नारे लिखे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, उनको जेल भेजा जाए।